हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोना फिटनेस चैनल। आज जो हम आसन करेंगे वो ओम जाप का उच्चारण करेंगे। उच्चारण जाप की जो विधि है, हमारा सनातन धर्म में पूजा पाठ व जाप आदि की विधि के लिए एक समय बताया गया है। इसी तरह से ओम का उच्चारण प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर करना चाहिए। ओम का जाप करने के लिए आप कोई एक शांत सी जगह का चुनाव कर लें, जहाँ पर आप पूरी तरह ध्यान लगा सकें। अब सुखासन मुद्रा में बैठकर मन में ओम की आकृति का ध्यान लगाते हुए उच्चारण करना शुरू करें। एक बार में कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे ओम उच्चारण की विधि को बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो वैसे ही 108 बार ओम का उच्चारण करना है। तो ओम का जो उच्चारण है वह बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी लाभ पहुंचाने वाला माना गया है। तो ओम के उच्चारण से क्या लाभ होते हैं और इसके करने के क्या क्या विधि है तो जानते हैं। सनातन धर्म में ओम को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। ओम का जो उच्चारण करते समय तीन अक्षरों की ध्वनि निकलती है। ये तीन अक्षर क्रमशः अ उ म है। इसमें अ वर्ण सृष्टि का द्योतक है, उ वर्ण स्थिति दर्शाता है, जबकि म लय का सूचक है। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात वास माना जाता है। ओम के जाप को अनिष्टों का समूल नाश करने वाला व सुख समृद्धि प्रदायक माना गया है। ओंकार ब्रह्मानाद है। इसके उच्चारण व जाप से धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। किसी भी मंत्र में उच्चारण के आरंभ में ओम अवश्य लगाया गया है। ओम का उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी लाभ पहुंचाने वाला माना गया है। ओम के उच्चारण से क्या लाभ होते हैं जानते हैं। ओम जाप के जो फायदे हैं, ओम का उच्चारण करने मात्र से ही शारीरिक और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। ओम का उच्चारण और जाप करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि सही प्रकार से पूर्ण ध्यान लगाकर ओम का जाप किया जाए तो इससे आपको सकारात्मक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माना भी जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित तौर पर ओम का उच्चारण व जाप करने से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरे शरीर से कंपन सा होता है, जिससे आपके पूरे शरीर को लाभ पहुँचता है। ओम का उच्चारण करने से पेट व रक्तचाप से संबंधित समस्याओं में भी लाभ मिलता है। तो मेरे जितने भी मैं योगा अभ्यास जो मैं करती हूँ, सुबह के समय खाली पेट के दौरान अगर आप ओम उच्चारण का जाप करते हैं तो इससे आपके शरीर व तन मन को काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ओम का जो उच्चारण है, अगर आप अपने हर रोज की दिनचर्या यानी कि सुबह के समय करते हैं तो इससे काफ़ी शरीर को फ़ायदा मिलता है। हमारा जितना भी स्ट्रेस होता है या फिर नींद ना आने की जो समस्या होती है, अगर आप ये वाला आसन करते हैं, ओम उच्चारण का जाप करते हैं, तो इससे तनाव से तो राहत मिलती ही है, बल्कि जो अनिद्रा की जो समस्या होती है उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो ओम का जो उच्चारण है वह बहुत ही अच्छा है।
इससे हमारे सोचने की क्षमता में भी काफी वृद्धि होती है। तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो मेरे जो बैकग्राउंड में जो मैंने ओम का उच्चारण करके बताया हुआ है तो आप सुन सकते हैं। तो शुरुआत में आप जितना 108 बार ओम का उच्चारण करते हैं, अगर आप इसको चाहो तो और भी बढ़ा सकते हैं। ये ओम का जो जाप है बहुत ही अच्छा जाप है, हमारे आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को काफ़ी और विकसित करता है और हमारे शरीर और तन मन को भी काफ़ी शांति पहुंचाता है। तो मैंने इसके क्या लाभ होते हैं, क्या इसको करने की विधि है, वो मैंने सारा बताया है और इसका बहुत ही फायदा है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर कर रही हैं, खासकर महिलाएं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इससे हमारा शरीर में काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस से निजात पाने के लिए अगर आप ओम उच्चारण का जाप करती हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ओम उच्चारण का जाप किया है, जिससे कि इससे काफ़ी लाभ मिला है। ये मेरा थोड़ा डिले हो गया था वीडियो डालने के लिए, तो ये मैंने प्रेगनेंसी से पहले वीडियो बनाया था बट मैं डाल नहीं पाई थी, तो मैंने आफ्टर डिलीवरी के बाद इस वीडियो को मैंने एडिट करके डाला है, तो ये उसके मैं आपको फायदे बता रही हूँ। मुझे इस ओम उच्चारण का जाप करने से काफ़ी फायदा मिला है, तो मैं आपसे ये वाला जो मेरे थॉट्स थे मैंने आपसे शेयर किए हैं, तो इससे बहुत फायदा है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। और जो अगर बाकी पुरुष या महिलाएं कोई भी इस आसन को कर सकता है, मीन्स ओम उच्चारण का जाप कर सकता है, यह शरीर को बहुत ही लाभ देता है ओम उच्चारण। और बाकी के मेरे जितने भी प्राणायाम और मेडिटेशन के वीडियोस हैं जो कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान किए थे, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। आप मेरे देखेंगे अगर जो मेरे प्राणायाम के वीडियोस हैं उसके आखिरी में भी मैंने ओम उच्चारण करके दिखाया हुआ है, तो आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें से मैं फिर से ओम उच्चारण करके बता रही हूँ। गहरा लंबा सांस लें और अपने भगवान का ध्यान करते हुए कोई भी आकृति अपने मन में बना लें, जैसे कि मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, तो आप भी वैसे किसी भी भगवान का ध्यान में रखते हुए उसका आकृति बना लें और ध्यान करें। गहरा लंबा सांस लें और ओम का उच्चारण करें।
वैसे ही करना है ओम का जाप। ऐसे हमारे शरीर में जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी वाइब्रेशन उत्तेजित होती है, तो जिससे कि हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा तो होती ही है, बल्कि आसपास में भी काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है, जिससे कि हमारा काफ़ी वातावरण अच्छा हो जाता है और हमारे दिनचर्या भी काफ़ी अच्छी जाती है और हम में पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो वैसे ही करना है, जितना मैंने मेरा एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया है, तो वैसे ही फॉलो करें। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें और आईज में रखें, इससे हमारे देखने की क्षमता है वो भी उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। तो वैसे ही आपने करना है। मैंने वीडियोस के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वैसे ही आप फॉलो करें। आई होप गाइज आज का मेरा जो ओम उच्चारण का जाप है आपके शरीर को काफ़ी हेल्प दे, और जो मैंने बताए हैं फ़ायदे वो भी आपको काफ़ी हेल्प दे और काफ़ी शरीर को फ़ायदा पहुँचाए। आई होप गाइज आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।